दोस्तों, मुझे पता है कि जब आप फोटोशॉप में किसी भी फोटो को क्रॉप करने के लिए जाते हो तो वहाँ कुछ इस प्रकार से आपको प्रॉब्लम दिखाई देता होगा, जैसे कि आप मन मुताबिक अपने फोटो को क्रॉप नहीं कर पाते होंगे। जैसे कि मैं इसको खींचना चाह रहा हूँ तो ये फोटो के बाहर हो रहा है, यानी कि कुछ इस प्रकार से प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है जो कि हम इजीली तरीका से क्रॉप नहीं कर पा रहे हैं। तो इस चीजों का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लेकर के आए हैं और फोटोशॉप में क्रॉप से रिलेटेड और भी कई सारे ऑप्शंस आपको बताएंगे, जिसकी मदद से आप क्रॉप के बारे में अच्छे से जान जाएंगे और क्रॉपिंग से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरीज नहीं रहेगी। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखें और हम क्रॉप का जो प्रॉब्लम है इसे भी सॉल्व करके बताएंगे और क्रॉप से रिलेटेड आपको और सभी जानकारी देंगे। तो आप हमारे चैनल पे बने रहें और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि क्रॉप में हम क्या क्या तरीका से क्रॉपिंग कर सकते हैं। क्रॉप करके क्रॉप का ऑप्शन आप यहां पे देख सकते हो कि टूल्स बार में यहां पे तीसरे नंबर पे आपको फोटोशॉप में क्रॉप का ऑप्शन आ जाता है जिसका नाम है क्रॉप। क्रॉप करने का कई सारे तरीका हो सकता है जिसको कि हम आपको अभी बताने वाले हैं। यहां पर देख सकते हो कि अगर सबसे पहला मैं तरीका बता दूं कि क्रॉप तो आप आसानी से कुछ इस प्रकार से आप जितना मर्जी चाहो वहां तक आप इस प्रकार से क्रॉप कर सकते हो। कुछ इस प्रकार से जितना मर्जी चाहो आप उसे क्रॉप कर सकते हो, ठीक है। मैं चाहूँ तो सिर्फ ये इतना सा जो ये माथे का जो जो है ये सर को ही रख सकता हूँ क्रॉप करके। अब बाकी सभी पार्ट्स को डिलीट कर दिया हमने, तो कुछ इस प्रकार से भी हम क्रॉप कर सकते हैं। लेकिन क्रॉप करने का तरीका ये ही सिर्फ नहीं होता है, क्रॉप करने के कई सारे और भी तरीके होते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि इसे एक एक्चुअल साइज में क्रॉप करने का क्या मेथड होता है, यानी कि मैं चाहता हूँ कि इसको 4x6 यानी कि 4x6 का जो पेपर साइज होता है उसमें हम इसको कैसे क्रॉप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्रॉप करने का सबसे मेन तरीका मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको चले जाना है, जैसे कि यहाँ पे क्रॉप ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो क्रॉप ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे ऊपर में देखेंगे विडिट और हाइट का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल से आपको विडिट और हाइट में आपको यहाँ पे जैसे कि इसका चौड़ाई, विडिट का मतलब होता है चौड़ाई, चौड़ाई अगर आप 4 रखना चाहते हो और हाइट अगर आप इसका यहाँ पे सेलेक्ट करते हो हाइट पे, और हाइट अगर आप 6 रखना चाहते हो, और रेजुलेशन आप यहाँ पे कोई भी रेजुलेशन 100, 200, 300 यहाँ पे आप ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे 100 का लेता हूँ और अभी मैं आपको क्रॉप करके दिखाता हूँ। अब जो यहाँ पे हमारा क्रॉप होगा वो 4x6 के अकॉर्डिंग हमारा क्रॉप होगा। यहाँ पे सॉरी दोस्तों, मैंने हाइट पे यहाँ पे देख सकते हो 8 लिख दिया है, तो मुझे यहाँ पे 6 लिखना है, तो मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया, एंटर प्रेस किया, यहाँ पे 4x6 हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे अब आप जैसे कि साइज यहाँ पे तो सिलेक्ट आपने कर ही लिया 4x6, तो अब यहाँ पे जो मैं क्रॉप करूंगा वो 4x6 पेज के अनुसार यहाँ पे हमारा क्रॉप लेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। अब मैं इसको डबल क्लिक करूंगा या एंटर प्रेस करूंगा, यहाँ पे हमारा जो साइज है वो 4x6 में क्रॉप हो गया है। लेकिन अब हम ये जानेंगे कैसे कि 4x6 में क्रॉप हुआ है या नहीं, तो उसके लिए यहाँ पे भी एक ऑप्शन है, यहाँ पे इमेज में जाएंगे और यहाँ पे इमेज साइज के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इमेज साइज पे जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है इमेज साइज और यहाँ पे डायमेंशन और हाइट यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट साइज यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 4 इंच और 6 इंच, यानी कि इसका विडिट है 4 और हाइट है 6, यहाँ पे 4x6 इंच का यहाँ पे साइज हमने लिया हुआ है। तो हमारा ये डॉक्यूमेंट का यानी कि इमेज का साइज और डॉक्यूमेंट साइज यहाँ पे हमारा शो कर रहा है। तो इससे आपको पता लग गया कि आप यहाँ पे मैं किसी भी साइज में इसको क्रॉप करना चाहते हैं तो वो हम क्रॉप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पर अपना साइज डालना पड़ेगा, हाइट और चौड़ाई मतलब कि ऊंचाई और चौड़ाई इसमें डालना पड़ेगा, और डालने के बाद सिंपल से आप यहाँ पे क्रॉप कर सकते हो। चलिए अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं 9 डाल देता हूँ और यहाँ पे 2 डाल देता हूँ या 3 डाल देता हूँ, और अभी मैं इसको क्रॉप करना चाहता हूँ तो ये हमारा क्रॉप नहीं हो रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो मन मुताबिक क्रॉप नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्या आता है कि यहाँ पे मैं ऑटोमेटिक यहाँ पे देख रहे हो कि 9x3 यहाँ पे मैंने 9x3 का यहाँ पे एक साइज लिया हुआ है जो कि उसी के अकॉर्डिंग ही ये क्रॉप कर रहा है, ठीक है। तो ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो इसका एक ऑप्शंस भी है,
जैसे कि यहाँ पे अगर आपका इस तरीका से प्रॉब्लम आ रहा है और क्रॉप नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्रॉप, सबसे पहले आपको टूल्स बार में यहाँ पे क्रॉप ऑप्शन पे क्लिक करिए। इधर उधर कोई भी टूल्स बार सेलेक्ट होगा तो आपको सिंपल यहाँ पे क्रॉप टूल को सेलेक्ट कर लेना है, और सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरीका से ऑप्शन आपको दिखाई देगा, और उसके बाद यहाँ पे एक बटन दिखाई देगा जिसका यहाँ पे नाम लिखा हुआ है बटन में क्लियर। क्लियर जैसे ही करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हो, क्लियर जैसे किया यहाँ पे हमारा ये ब्लैंक हो गया। तो अब यहाँ पे हमारा कोई भी साइज नहीं है, यानी कि क्रॉप का जो सेटिंग है वो हमारा फ्री है, यानी कि मैं जितना मर्जी चाहूँ उतना क्रॉप कर सकता हूँ। यहाँ पे फ्री साइज हो चुका है हमारा क्रॉप का। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो हमने वहाँ पे क्लियर कर दिया। अब यहाँ से मेरा किसी भी पॉइंट पे पकड़ के चारों साइड से हम छोटा बड़ा क्रॉप एरिया को कर सकते हैं, उसके बाद इसे हम यहाँ पे क्रॉप कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों आई होप कि आपको क्रॉप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। मेरे हिसाब से मैंने क्रॉप के बारे में जितना भी ऑप्शंस हो सकता है हमने आपको बता दिया है। अगर बाय मिस्टेक कोई भी प्रॉब्लम आता हो या आपको कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा वही कमेंट बॉक्स में। अगर आपका कोई भी बड़ी प्रॉब्लम होती है या कुछ ज्यादा ही क्वेश्चंस होते हैं आपके, तो मैं उससे रिलेटेड एक बड़ी वीडियोस भी बना दूंगा जिसके माध्यम से आप बड़े ही आसानी से एक्सप्लेन करने के बाद आप उसे सीख सकते हो, यानी कि उसे देख सकते हो। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फोटोशॉप से रिलेटेड और एमएस ऑफिस और ऑल ट्यूटोरियल से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड अगर आप वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी टाइप्स के रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहता हूं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करें, ताकि मैं जो भी नए अपडेट्स वीडियो अपलोड करूं अपने यूट्यूब चैनल पे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।